बाकी हेलो जी हो आप सभी लोग तो दिल्ली के गिर की तरह रंग बदलते मौसम को आप इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है ऐसे मौसम कभी कुछ समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है कभी बरसात हो रही है तो इन सबको इग्नोर करते हुए हम बात करेंगे आज हम अपनी कतरन मार्केट जो कि डेली की एक मार्केट है जो कि इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है तो दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सी मार्केटें होती हैं जो कि ज़्यादा फेमस नहीं होती बट अगर आप वहाँ पे वाप विजिट करोगे तो लिटरली बोल रही हूँ आप सेकेंड टाइम भी ज़रूर जाओगे आप और आप ये सोचोगे कि पहले क्यों नहीं मिले तो ऐसी एक मार्केट की बात करेंगे जो मंगोलपुरी के अंदर लगती है और ये दिल्ली के अंदर मतलब पीरागढ़ी का फ्लाई ओवर है ना तो वहाँ से कट मारोगे तो दस रुपये का बैटरी रिक्शा लोगे तो सीधा आपको मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में भैया आपको छोड़ देंगे अगर आप उन बंदों में से हो जो अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहते हो या फिर आप बुटीक बुटीक में काम करते हो और आप खुद ही फैशन डिज़ाइनर की नॉलेज रखते हो और आप फैशन डिज़ाइनर हो या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई हम अपना खुद ही डिज़ाइन करेंगे आउटफिट तो आपके लिए मार्केट बहुत मस्त है यहाँ पर ना आपको हर फैब्रिक हर डिज़ाइन में जो आजकल फेमस है पॉपुलर है और जो चल रहा है डिमांड में वो आपको हर एक तरीके का फैब्रिक मिलेगा और वो भी रीजनेबल प्राइस में और इस मार्केट की एक खास बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको मीटर में तो मिलते ही जैसे हर मार्केट के अंदर मीटर में कपड़े मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर भैया वेट में मतलब कि किलो में भी देते हैं आपको तोल में भी यहाँ पे थान या फैब्रिक मिल जाएगा जितना आपको चाहिए होगा तो ये इस मार्केट की थोड़ी यूनिक बात है तो ऐसे ही ना यहाँ पे बहुत सारी मार्केट के अंदर भैया शॉप लगाते हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादातर सिर्फ फैब्रिक मिलेंगे और जो ये ब्लाउज़ पीस है ना ये बहुत ही मस्त लग रहे थे और इन ब्लाउज पीस को आप सिंपल प्लेन साड़ी पर पहनोगे तो आपको और कुछ भी वेयर करने की ज़रूरत नहीं है यही एक फुल अप फुल टचअप कर देगा आपको है ना तो तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक और सब कुछ मिलता है तो यहाँ पर हम जब गए थे थोड़ा अंदर मार्केट के तो ये की शॉप थी जहाँ पर यहाँ पर लैस मिल रही थी यहाँ पर हर एक वैरायटी की लैस थी जिसकी स्टार्टिंग भी आप बता रहे थे बीस रुपये मीटर से और इसके अंदर पल्स का मोतियों का सितारों का और जो हाथों से जो बनी होती है ना डिज़ाइन उन सब का काम हो रहा था इन लैसों के ऊपर और ये बहुत ही यूनिक लग रही थी और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपको कुछ ही मीटर में मिलेगी अगर आपको मतलब कि पूरी पूरी साड़ी पाँच मीटर सात मीटर दस मीटर पूरी साड़ी बनानी है ना तो उसके लिए लैस वैस सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है बहुत सही प्राइस के अंदर इसके अलावा यहाँ पर पर्स और एयरिंग्स भी मिलते हैं बट ज़्यादातर ये मार्केट फेमस है कपड़ों के लिए तो कपड़े ज़्यादातर मिलते हैं यहाँ पर और ये जो पर्स बेच रहे हैं ना तो इनका प्राइस मैंने बताया था वन फिफ्टी रुपये का इसमें भी बहुत शाइन कर रहे थे और अगर आपको पार्टी वेयर के लिए चाहिए क्लचेज़ चाहिए या फिर पोटली चाहिए तो आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगी इसके अलावा यहाँ पर लटकन जो ये लटकन है इनका प्राइस अलग अलग था और इसके अंदर जो दुल्हन के लहंगे होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं दुल्हन की दुल्हनियाँ ऐसे करके जैसे कि ये सामने लगा हुआ है ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिक डिज़ाइन और पीस के अंदर यहाँ पे लटकने मिल रही थी लहंगे और ब्लाउज में लगाने के लिए और इनका प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं था मतलब इतना था कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें मिलती हैं तो आप एक बार कभी ज़रूर विजिट करना आपको सच में स्वाद आ जाएगा इस मार्केट के अंदर आकर और इसके अलावा इसके अलावा बात कर लेते हैं ये वाली जो शॉप थी इसके अंदर ब्लैंकेट्स और कंबल उड़े थे जिनका प्राइस आंटी ने बताया था पंद्रह सौ से दो हज़ार रुपये के बीच में और ये डबल बेड शीट थी डबल बेड शीट और डबल ब्लैंकेट था जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल थे मुझे तो ये बहुत ही पी, अच्छे पीस लग रहे थे और इनके पास चद्दरें भी थी इनका प्राइस भी आंटी ने ऐसे को समथिंग बताया था आंटी आपका शॉप नंबर क्या है दो सौ छः दो सौ छः और इनका प्राइस क्या है इनका इसका प्राइस बेटी डबल बेड का डबल प्लाई है अच्छा ये दो हजार का बेच री लेता तेरह सौ दे देते दस किलो फाइबर ठीक है जैसा कि आपने अभी आंटी की वाणी सुनी दो हज़ार रुपये की चीज़ आंटी कह रही थी मैं साढ़े तेरह सौ रुपये में दे दूंगी लेकिन वो तो आंटी का प्राइस है ना अभी तो आपको भी बार्गेनिंग करनी है अपनी भी स्किल दिखानी है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ दो हज़ार रुपये की तो सीधा आप आधा कर दो उसका रेट और आंटी अब भैया ज़्यादातर दे ही देते हैं मतलब कि ना ये डबल प्राइस लेके चलते हैं और ना बहुत ज़्यादा हमें बार्गेनिंग होती है तो अगर आपके अंदर ये भी स्किल है ना तो इस टैलेंट को आप इस मार्केट के अंदर बहुत मज़ेदारी तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो प्राइस बोला बिल्कुल फिक्स है नहीं आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है तो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाओ और यहाँ पर ले सकते हो और ऐसे यहाँ पर ना कर्टेंस मिल रहे थे जो कि अलग अलग साइज़ और लेंथ के थे जैसे कि नॉर्मली जो होते हैं वो छः मीटर छः फुट का गेट होता है ना तो छः फुट के होते हैं और इसके अलावा जितने बड़े आप घर के गेट बनवा सकते हो ना उतने बड़े यहाँ पर पर्दे मिल जाएंगे लेंथ के लेंथ की चिंता मत करना यहाँ पर हर लेंथ के और हर क्वालिटी के यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी और ये जो फैब्रिक है ना ये सूट का फैब्रिक है जो कि बहुत ही एंडी लग रहा था और इसमें जो सितारे थे बहुत ही शाइन कर रहे थे इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हो रखा था ये जो सारे काम हो रखा है ना बहुत ज़्यादा चमकीला चमकीला और बहुत ज़्यादा हैवी था और इस ऐसे इन सब का प्राइस अंटी ने अलग अलग बता रखा था किसी का दो सौ रुपये मीटर ढाई सौ रुपये मीटर इस तरीके का इनका प्राइस था और ज़्यादातर ना जो ईद होती है या फिर मुहर्रम जो कि मुस्लिम भाई बहनों के जो फेस्टिवल होते हैं ना उसके हिसाब से इनके पास जो कि सूट सलवार के कपड़े मिल रहे थे और ये जो कि आजकल बहुत ही इंस्टाग्राम पर वायरल है भाई साहब वो वाला फैब्रिक मिल रहा था और ये कितना मस्त लग रहा है ना इसका अगर कोई वन पीस बनाएगा जिसको आता होगा बनाना तो कितना कच्च बना देगा और ये सारे कुर्ते जो भैया अपने शेरवानी सिलवाना चाहते हैं कुर्ते हो गया फिर लड़कियों के जो सूट होते हैं उन सब के फ़ैब्रिक यहाँ पर मिल रहे थे जो कि अगर आप किसी भी शोरूम पर अगर बना बनाया लेने जाओगे ना तो उसका प्राइस स्टार्टिंग बता रही हो भाई चार से पाँच हज़ार रुपये से स्टार्टिंग बताते हैं लेकिन अगर आप यहाँ से लेके जाओगे कम में लेके जाकर और खुद ही स्टिच करवाकर ख़ुद ही अपने हिसाब से डिज़ाइन विज़ाइन देकर आप सिर्फ और सिर्फ दो से ढाई हज़ार के अंदर बनवा सकते हो खुद का और अपने मन मुताबिक तो यहाँ पर ऐसी ना बहुत सारी मार्केट्स के अंदर शॉप्स होती है जो कि अलग अलग तरीके का फैब्रिक बेच रही थी और ये पूरी साड़ी का कपड़ा था ये आंटी ले रही थी एक जो कि बार्गेनिंग कर रही थी वो आंटी कर रही मैं नहीं देरी वो करी दे दो मैं नहीं देरी ऐसा तो सीन चल रहा था उनके बीच में ये सब तो मतलब यहाँ पर साड़ियाँ भी बना सकते हैं और आंटी ने यह अपनी शॉप का ना कार्ड दिया था कि अगर किसी को विजिट करना हो तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो और इनकी जो शॉप है ना उनका शॉप नंबर इसमें शायद वीडियो के अंदर बताया होगा मैंने पता नहीं लेकिन नहीं बताया उसी के देख, देख लेना जो कार्ड है और ये थोड़ा डेकोरेशन का जो सामान है टेबल के ऊपर जो पॉट रख देते हैं फिर ग्लास व्लास जो होते हैं वो सब रखने का यहाँ पे सिस्टम था रिवॉल्व डेकोरेशन का यहाँ पे सामान बिक रहा था इनका प्राइस उन्होंने बताया था दो सौ रूपये बताया था शायद दो सौ रुपये का बताया था हाँ और ना इसके बाद बुलंद का काम करता था पोंग पोंग जो होते हैं ना वो सब का वर्क हो रखा था इसके ऊपर की रोसिए का भी डिज़ाइन बना बना के बना रखा था और ना जो आजकल कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना वो अपने वॉल के पीछे ऐसे ही मैंने देखे भाई साहब यूट्यूब पर अपनी वॉल पर ऐसे ही डेकोरेट कर रखते तो वो सब भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप कर आप ले सकते हो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा जो ये चांद था बहुत ही क्यूट लग रहा था ये चांद पर बना रखा था सारा वर्क करके और ये ये भी स्टील में था और इसकी जो घंटी थी ना वो आवाज़ करती बहुत ही प्यारी आवाज़ थी इनकी और ऐसे ही यहाँ पर आप डेकोरेशन का भी सामान लग सकते हो चौहान कारपोरेट इनका शॉप नंबर था टू टू एट और इनके पास मेट डोरमेट और जो कि प्लास्टिक की जो ग्रास होती है ना उसके जो वो होते हैं ना पैरदान वो सब मिल रहे थे इनका प्राइस भी अलग अलग था ने आठ सौ रुपये का बताया था शायद ही एक पैरदान जो कि बहुत लेकिन प्राइस तो बताते हैं भाई कि हाँ इतने का है लेकिन हम हम थोड़ी इतने का लेंगे भाई हम तो बार्गेनिंग करेंगे लेकिन बताने वाला उतने का बता रहे थे और ये बहुत ही अच्छे लग थे। ये हाफ थे मतलब हाफ फ्लावर बना हुआ था डिज़ाइन में जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको मैट मिल जाएंगी और जो कालीने मिल जाएंगी कारपेट मिल जाएंगे हर एक तरीके की और लेंथ भी बहुत सही सही मिल जाएंगी जैसे कि अगर आपको अपना घर है उस न्यू न्यू घर है या फिर उसको डेकोरेट करना तो यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी मतलब ये कारपेट मिल जाएगी यहाँ पर दरिया मिल जाएंगी है ना पैरदान मिल जाएंगे कुशन मिल जाएंगे सब कुछ मिल जाएंगे अगली शॉप पर हम गए थे तो यहाँ पर ये यह ना बैग बेच रहे थे भैया जिनका प्राइस उन्होंने ढाई चार ढाई सौ कोई चार सौ कोई तीन सौ सब प्राइस अलग अलग बता रखा था बहुत सही लग रहे थे मतलब मेरे को तो लेना नहीं था बस मेरे को तो वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने उसे कैप्चर कर लिया और आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पर ये यह सब मिलता है तो ये सब देख लो भाई ये सब मिल रहा था यहाँ पर इस और इसके अलावा यहाँ पे जो साइड बैग होते हैं वो भी मिल रहे थे इस शॉप पर बैंगल्स बिक रही थी जो कि डिज़ाइन यूनिक थे अच्छे लग रहे थे और इसके अंदर ना जो काम हो रखा था भाई बहुत बारीक काम हो रखा था मतलब और काम जो है बहुत सफाई से हो रखा था इन ज्वेलरी के अंदर और इनका प्राइस इसलिए थोड़े लिटिल बिट हाई था मतलब और जितना होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही था और इसके अलावा ये जो बाहर रखे हुए इनका प्राइस भी है ना बताया था बीस रुपये का एक कड़ा कोई सा भी ले सकते हो तो ये, ये ना थोड़ा अहम ही था मतलब कि होता है ना रिजेक्ट वाला माल हो जाता है थोड़ी बहुत इनमें कमी होती है वो सब और ये पोर्ट ली थी इनका प्राइस भी ना डेढ़ सौ बताया था डेढ़ की पोर्ट ली थी जो कि अगर आप साड़ी पहनो एक कोट ले लो बस तैयार है बट बेटा बस जाने के लिए पार्टी वार्टी में तो वो वाला सिस्टम था और ये लैस की शॉप थी यहाँ पर आप लैस लेकर प्लेन सूट के अंदर कुर्ते के अंदर लगा कर बस उसको बढ़िया बना सकते हो भाई थोड़े से पैसों के अंदर चीज बन जाएगी आपकी गच है एकदम आपने और ऐसी यहाँ पे बहुत सारी लेसें मिल रही थी जो कि देख लो आप भाई अलग अलग वैरायटी कलर में डिज़ाइन में और ये सब तो बहुत ही लोकल लोकल सी थी मतलब कि हम सस्ती सी लग रही थी और ये इयर की शॉप थी भाई साहब क्या ईर रिंग्स थे इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन थी जो छोटे छोटे वाले ना इनका प्राइस आंटी ने बताया था थर्टी रुपये और जो बड़े बड़े हैं जो कि नीचे वाले हैं ना नीचे वाले जो रो के अंदर उनका प्राइस हंड्रेड बताया था फिर से एक और मार्केट के अंदर ये शॉप आया इसके इसके अंदर भी मिल रहा था आपको कंबल मिल रहा था चादर मिल रही थी चादर का प्राइस भैया ने बताया था सौ रुपए की एक सिंगल बेड शीट सौ रुपए की एक थी और डबल वाली दो सौ रुपए की थी और उसके अंदर जो पिलो होते हैं वो अटैच थे मतलब कि बनवाने पड़ेंगे पिलो कपड़ा दे रहे थे वो और इसके अलावा ब्लैंकेट्स है ब्लैंकेट्स का प्राइस भी वही भाई दो हज़ार रुपये बारह सौ रुपये तेरह सौ रुपये में दे देने देंगे अगर मतलब कि ऊपर और भी कम हो जाएगा पर इतने का वो बताएंगे ठीक है ऐसे में ब्लैंकेट ब्लैंकेट मिल रही थी और अब तो वैसे भी जो सीज़न है विंटर वाला वो जा रहा है तो और भी कम प्राइस पर आपको दे देंगे और ये आ, कम्बल वम्बल ये तो मतलब कि सीजनेबल चीज़ है ना अगर अगर आप गर्मियों में आओगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी ये इयर की शॉप थी इयर एर, बहुत क्यूट क्यूट थे यार और इनका जो डिज़ाइन था ना वो अलग था सरोजने के अंदर भी मैंने देखा ना सरोजने के अंदर भी मतलब मिलती है भाई साहब लेकिन इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक डिज़ाइन थे अगर आप आओ तो एक बार जरूर देखो ये जो कड़े हैं ना हाथों के वो बहुत मस्त लग रहे थे इनका प्राइस भी उन्होंने हंड्रेड रुपये का एक बता रखा था कड़ा और जो रोज़ डेली वेयर के अंदर जो एयरिंग्स होते हैं छोटे छोटे वो भी इनके पास थे हाथों की बैंगल्स थे वो भी बहुत बहुत क्यूट 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 बैंगल्स वैंगल्स सब मिल रही थी इनके पास और ये शॉप थी इनके पास यहाँ पे लड़कों की जो टी शर्ट्स होती है फंकी टी शर्ट्स वो सब मिल रही थी और इनका प्राइस भी यानी अलग अलग बता रखा था ये ऊपर वाले जो टॉप लेडीज़ टॉप थे और जो आजकल जैकेट्स चल रही हैं वो सब उन पर शर्ट हर एक मतलब आजकल जो मतलब कि डेली आउटफिट जो बंदे भाई पहनते हैं रोजमर्रा में वो ये सब इनके पास मिल रहे थे जैसे कि लैगिंग वैगिंग मतलब इनके पास ओवरऑल सारी चीज़ थी जो रोज में पहन लेते हैं टॉप टी शर्ट शर्ट ट्राउज़र है ना वो सब मिल रहा था और जो आगे वाली है ये सरोजनी केंद्र भी मिल रही थी सरोजनी केंद्र भी मैंने देखी थी इनका प्राइस वहाँ पे बता रखा था चार सौ से पाँच सौ रुपये की और यहाँ पर ये तीन सौ रुपये बता रहे थे अंकल हाँ कि तीन सौ रुपये की है और मैंने मेरे को तो लेनी नहीं प्राइस देख रहा था

कतरल मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया है उसके भी सामने सामने भी शॉप थे जो कि बहुत ही मस्त मस्त कलेक्शन भी आप देख रहे थे टेबल के ऊपर बिछाने वाले जो कपड़े होते हैं वो सब और ये शॉप थी इसके पास जो निब्बियाँ जो टिकटॉकर वाली जो होती हैं वो अपने बैग लटकाती हैं वो सब भाइयों पर मिल रहे थे देख लो भाई या इनसे तो मेरा दूर दर्द तो को वास्ता नहीं था और यहाँ पे जो ये लहंगे हैं इनकी कलेक्शन थी ये ज़्यादातर ना मीशो अमेज़ोन फ़्लिपकार्टे जो ऑनलाइन की साइट होती है उन पर बहुत, बहुत बहुत सारी कलेक्शन देखने को मिलती हैं तो उन्हीं में से ये कुछ थोड़ी सी कलेक्शन भी आप एक रहे थे इनका प्राइस भी यानी बताया था बारह सौ रुपये का एक सेट लहंगे का जो कि मतलब सही था यार ऑनलाइन पर भी मिल जाता है पर ऑनलाइन पर भी शायद इतने का मिलता है बारह पंद्रह सौ रुपये तक का और बार्गेनिंग तो आपको करवानी करवानी है तो ये सब यहाँ मिल रहा था मतलब कहने का ये है कि यहाँ परहंगे भी स्टिच भी मिल रहे थे ऐसा नहीं है भाई कि मतलब था नहीं मिलेगा स्टिच भी यहाँ पर मिलते हैं तो वो ही सब थे भाई अलग अलग कलेक्शन थी हर एक साइज में हर एक क्वालिटी में अवेलेबल था भाई देख लो मस्त लग रहा था और यहाँ पे शॉल स्टॉल दोनों ही मिल रहे थे मतलब ये जो शॉप है ना इस शॉप के अंदर पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ दुपट्टे यही सब मिल रहे थे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दुपट्टे की ये शॉप थी इसके अंदर शॉल स्टॉल और दुपट्टे यही मिल रहे थे और इन पर हर एक तरीके के दुपट्टे अवेलेबल थे जैसे कि वो चिकनकारी वाले होते हैं दुपट्टे उनके साथ वो वाले होते हैं शिमरी होते हैं के होते हैं है ना और जो पंजाबी वाले होते ना मस्त मस्त से पूरे वर्क वाले वो सारे भी मिल रहे थे यहाँ पे देख लो मस्त लग रहे थे मतलब और इन सब जो प्राइस था वो अलग अलग था और जो शॉल लटके हैं ना ये आजकल बहुत ट्रेंड में है भाई ये वाले भी शॉल मिल रहे थे यहाँ पर और जो दादी वादी होती है ना वो एट जीड वाली जो होती है उनके जो प्लेन वाले शॉल होते हैं मोटे वाले वो सब भी यहाँ पे मिल रहे थे तो मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी थे बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी के भी थे और जो नए नए डिज़ाइन थे वो भी थे और ओल्ड वाले भी थे हर तरीके के बंदों के लिए यहाँ पर थे और ये जो है ना ये फैब्रिक था बहुत ही ज़्यादा काम हो रखा था भाई मतलब बहुत ज़्यादा घना था मतलब आँखों में भी गड़ रहा इतना काम हो रखा था इसके अंदर मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा था एक जो भी था ये सिस्टम हैंग हो रखा था और ये जो है यहाँ पे ये साड़ी पता नहीं सूट जो भी मतलब जो भी तुम्हारा मन करे वो सब बनाने के लिए यहाँ पर भाई फैब्रिक मिल रहा था इन सब के अंदर भी बहुत बहुत हैवी वर्क हो रखा था भाई साहब मतलब बहुत घने घने यहाँ पर मिल रहे थे काम तो इतना हो रखा है इन कपड़ों में जितना मैं अपने जिंदगी भर ना करूँ इतना काम तो इकट्ठे इन कपड़ों के अंदर हो रखा है और इसके अंदर जो क्वालिटी है ना वो तो बहुत मस्त थी और इस हिसाब से उनका प्राइस भी था भाई अलग अलग इनका प्राइस हो रखा था चार सौ रुपये मीटर पाँच सौ रुपये मीटर छः सौ रुपये मीटर मतलब अलग अलग जैसे जैसे इन पर काम हो रखा था वैसे ही मिल रहा था बाकी यार मैंने लगभग लगभग सब कुछ इस मार्केट का कैप्चर कर लिया है और जब तक आप इस मार्केट के अंदर विजिट नहीं करोगे तब तक यार मैं कितना ही बोलती रहूँ समझ नहीं आता उतना जितना मतलब खुद ही जाकर विजिट करने के बाद देखते हैं ना और भाई जो फिर अलग ही मज़ा आता है भाई वहाँ पर जाकर फिर मार्केटिंग में ख़रीदारी करने का तो वो स्वाद तो भाई वहीं जाकर पता चलता है बाकी भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और बताना भाई ये वीडियो कैसी लगी और ये मार्केट कैसी लगी जब आप विजिट करोगे तब ज़रूर बताना ठीक है जय बाबा की